फाइनली गूगल एडसेंस पिन हमें रिसीव हो गया है और अब आएगा यूट्यूब से पैसा ही पैसा। कुछ इस तरह का एनवेलप होगा भाई साहब, एक नंबर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब आज बहुत ही बढ़िया होगे। सो आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होगे कि फाइनली मेरा जो गूगल एडसेंस पिन है वो मेरे पास आ चुका है और इस वीडियो में मैं उसको अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि मैंने किस दिन अप्लाई किया था और जो मेरा गूगल एडसेंस पिन है कितने दिन में आया। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा अचीवमेंट। जो कोई भी मेरी वीडियो, अगर कोई यूट्यूबर है, अगर वो ये देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि ये कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत के बाद ये अचीवमेंट रिसीव होती है और जब ये आता है कितनी मुझे खुशी होती है। मुझे क्या मतलब, जितने भी यूट्यूबर रहते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए आते हैं क्योंकि पहला स्टेयर रहता है कुछ अचीव करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो फाइनली मेरा रिसीव हो चुका है, आप देख सकते हैं गाइस क्लोज से। और मैंने ये अप्लाई किया था 13 फेब को, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा लेट होते 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 वो आज 2 मार्च हो गया है। लेकिन मेरा जो पिन है, मैं आपको बता दूं, मेरा पिन मात्र 6 दिन के अंदर आ गया था। और पिन लेने के लिए ऐसा नहीं है, उसमें ऑप्शनल रहता है। अगर आप जब अप्लाई करोगे गूगल एडसेंस के लिए तो उसमें ऑप्शनल रहता है, आप अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, ये गूगल एडसेंस जो पिन रहता है ये तभी आता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका हो और उसके बाद जब आपके डॉलर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में $10 करने रहते हैं। जैसे ही आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस में आपका वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आने लगता है। वेरीफाई करने के लिए आप अपना एड्रेस वहाँ पर फिलअप करते हो और वहाँ पर फिलअप करने के बाद वहाँ पर आपको मेल आ जाता है। वो स्क्रीन पर मैं आपको बगल में दिखा दूंगा कि किस तरह का मेल आता है। वो मेल जैसे ही आए तो आप समझ जाना है कि आपका जो गूगल एडसेंस पिन है वो निकल चुका है। और वो मैक्सिमम उसमें लिखा रहता है कि 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। आप पोस्ट ऑफिस जाके जो पोस्टमैन है उसका नंबर ले लीजिए, उसको कॉल करते रहिए और अपना नाम और एड्रेस सेम रखिएगा जो आधार कार्ड में है, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है। तो फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं किस तरह का है ये। गाइस देख ली, मैं क्लोज आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का रहता है गूगल एडसेंस का जो लेटर आता है, ये हम लोग दोनों, ये 3 साइड रहती है, 3 साइड हम लोग को फाड़नी रहती है। और ये पीछे साइड आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा और यहाँ पर देखिए एड्रेस लिखा होगा। मैं क्लोज से दिखा देता हूँ, ये नाम लिखा होता है जैसे मेरा नाम है और ये एड्रेस लिखा होगा। और चलिए फिर करते हैं इसको अनबॉक्सिंग, किस तरह से इसकी अनबॉक्सिंग की जाती है। तो ये जो साइड आप देख रहे हैं, रिमूव साइड एजेस, तो इसको ये 3 साइड देखेगा, ऐसे फाड़नी पड़ती है। फाड़ दी है और कुछ इस तरह का एनवेलप होगा भाई साहब, एक नंबर। ये देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ एक पिन होता है ये 6 डिजिट का, ये आपको गूगल एडसेंस में फिलअप करना होता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा तो ये लेटर के अंदर। तो यहाँ पे जो आपको 6 डिजिट का ये जो पिन दिख रहा है, ये पिन आपको वेरीफाई करना होता है। ये पिन आपको अपने गूगल एडसेंस में जो वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन बता रहा होता है उसमें डालना होता है। जैसे ही आप वहाँ पे पिन डालते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट के बारे में डालना होता है, जो आपका बैंक अकाउंट रहता है। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जिस बैंक में आपका अकाउंट है तो वहाँ जाके आपको उस बैंक का स्विफ्ट कोड पता करना होगा, क्योंकि अगर आपको स्विफ्ट कोड नहीं पता है तो उसके बिना आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा। स्विफ्ट कोड आप कैसे पता कर सकते हैं, आप अपने बैंक जा सकते हैं, उनसे बता सकते हैं कि मुझे इस बैंक का या इस बैंक का स्विफ्ट कोड दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। अगर आपसे रीज़न पूछे तो आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा सीन है, मेरा यूट्यूब पे अकाउंट है, मैं उसमें अकाउंट ऐड करना है मुझे बैंक का अपने, तो उसमें स्विफ्ट कोड मांग रहा है। तो जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट उसमें डाल देंगे, स्विफ्ट कोड वगैरह डाल देंगे, उसके बाद से आपकी इनकम स्टार्ट। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है गाइस। अगर जो मेरी वीडियो में फिर बोल रहे, जो यूट्यूबर देख रहा हो उसको अच्छी तरीके से पता है कि इसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितने क्या क्या करना पड़ता है, जब तब जाके अचीवमेंट आता है। जब ये आता है तो इतनी खुशी रहती है, मतलब इतना मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो इस लेटर को देख के मैं मतलब इतना मोटिवेशन आ चुका है कि मैं आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट दूंगा। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना मेरे को प्यार दिया। आप लोगों के प्यार के बिना ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए। और प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको बगल में दिख रहा होगा गाइस, 98% लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सिर्फ 2% लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो प्लीज़। आपके एक सब्सक्राइब से, एक वीडियो को लाइक करने से मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा और मैं आगे आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट दूंगा।
अगर आपको गूगल एडसेंस कैसे वेरीफाई करना है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, वैसे तो सबको पता होता है, ज़्यादातर यूट्यूबर को बस पर कुछ नए यूट्यूबर रहते हैं उनको नहीं पता होता किस तरह से गूगल एडसेंस को वेरीफाई करते हैं, ये पिन को कहाँ डाला जाता है, कहाँ भरा जाता है, कैसे फॉर्म फिलअप कराया था, कैसे बैंक अकाउंट डाला जाता है, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच।